हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आप ये बताओ कि जंगल का राजा कौन होता है? यस, शेर होता है और वह बहुत ही ताकतवर होता है। वह किसी भी अन्य जानवरों से नहीं डरता। अच्छा, एक बात प्रश्न और पूछ लेता हूँ मैं आपसे। ये बताएं कि हम कपड़े धुलवाने कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? यस, धोबी के पास। ठीक है, धोबी जो है वो है कपड़े धोता है। अच्छा, क्या आपने कभी शेर और धोबी की कहानी सुनी है? नहीं सुनी? ठीक है, तो हम आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है टपका। क्या नाम है? टपका। हाँ, कक्षा 4 का हिंदी का हमारा दूसरा लेसन है ये। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। जैसा कि लेसन का टॉपिक है, जो नाम है टपका। ठीक है, टपका का अर्थ क्या होता है बताएंगे आप? जैसे कोई बारिश आती है और बारिश के अंदर जो हमारे झोपड़ी या घर में से या कहीं से भी कोई पानी टपकता है, ठीक है, और जो वो टपक रहा है उसको हम बोलते हैं बूंदों की छोटे छोटे कण, टपका। तो शुरू करते हैं आज का लेसन टपका। एक था धोबी जिसका नाम धनिया था। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। अच्छा, जो धोबी था क्या नाम था उसका? धनिया। और काम क्या करता था वह? कपड़े धोने का। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। धोबी की झोपड़ी बहुत पुरानी थी। ठीक है, सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। जो 2 महीने इसमें आए हैं, सावन और भादों, ये हमारे देसी महीनों के नाम हैं। इन महीनों के अंदर बारिश का जो जोर है वो बहुत ज्यादा होता है। और सावन भादों का समय था। जो हमारा धनिया था वह कपड़े जैसे धोता है लोगों के, तो उसे सावन भादों के अंदर एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और वो दिक्कत क्या थी वो हम लेसन में आगे पढ़ लेते हैं। उसे हर समय टपके का डर बना रहता था। लोगों के कपड़ों पर टपका पड़ जाए तो आई भारी आफत। यानी कि जब वह कपड़े धोता था और जो सावन भादों का समय था, बारिश हो रही थी, झोंपड़ी उसकी बहुत पुरानी थी, वहां से क्या होता था, ऊपर से टपक रहा था पानी। ठीक है, उसी का नाम है टपका, जैसे हमारे लेसन का नाम पड़ा है ये। तो पानी की जो बूंदें छोटी छोटी गिर रही थी, कहीं वह कपड़ों पे ना गिर जाए तो उसके लिए भारी आफत। आफत का मतलब होता है मुसीबत। ठीक है, तो अगर वह लोगों के कपड़े धो रहा है और उनके ऊपर टपका पड़ जाए तो वह दाग, जो उसका दाग पड़ जाएगा, वह अच्छे से नहीं धुल सकेगा, तो उसके लिए वह मुसीबत बन सकती है। तो आगे पढ़ते हैं। टपके का दाग धुलता भी तो नहीं, धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था। बड़े बड़े जोर की बरखा हो रही है। बरखा का मतलब यहां पे होता है बारिश। इतना डर मुझे शेर का भी नहीं है जितना कि टपके का है। यानी कि धनिया जो था वह शेर से भी नहीं डरता था, क्योंकि वह जो लोगों के कपड़े धोता था उससे उसकी आमदनी होती थी। तो उसने कहा कि मुझे डर शेर का नहीं जितना डर किसका है? टपके का। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। यह बात सुनी शेर ने, जो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। पिछवाड़े का मतलब है जो हम अपने जो हमारा रूम होता है उसके जो हमारे पीछे जो का भाग हम खाली छोड़ देते हैं उसको जो हम बोलते हैं पिछवाड़ा। तो उसके पिछवाड़े में शेर खड़ा यह बातें सुन रहा था। शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे भी ताकतवर है। ठीक है, ताकतवर मतलब शक्तिशाली। धनिया को भी मेरा इतना डर नहीं जितना टपके का है। शेर वह उसके आंगन के पीछे खड़ा था और वह देख रहा था, सब सुन रहा था कि टपका तो कोई बड़ी मुसीबत है। यह तो धनिया मुझसे तो डर नहीं रहा और इस टपके से डर रहा है, वह बहुत ही ताकतवर होगा। तो आगे क्या होता है लेसन में हम देखते हैं। उधर एक कुम्हार का गधा खो गया था। किसका खो गया था? कुम्हार का। घटा टोप अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ भी न सूझे। घटा टोप का मतलब यहां होता है जब बादल आते हैं, बादल के कारण
गिरने से जब अंधेरा हो जाता है उसको बोलते हैं हम घटा तो, कि हाथ को हाथ न सूझे, यानी कि इतना अंधेरा हो रहा था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि ज्यादा अंधेरा था। कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया धनिया के पिछवाड़े, यानी कि जब उसका गधा हो गया था तो उसको ढूंढते ढूंढते कुम्हार भी धनिया के जो पिछवाड़े वहां पे आ जाता है जहां पर शेर खड़ा था। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा, जब अंधेरा हो रहा था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जब जैसे ही वह कुम्हार धनिया की झोंपड़ी के पीछे आता है वह हाथ लगा के देखता है तो वहां पर उसका हाथ जो है शेर के ऊपर पड़ जाता है। उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है, उस पर चढ़ बैठा और उसके कान पकड़ लिए। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना कि कुम्हार जो है वह शेर के ऊपर बैठा हुआ सवारी कर रहा है। कड़क कर बोला, गधे के बच्चे यहां छिपा खड़ा है, तेरी ऐसी गति बनाऊं कि याद करे सारी उम्र। यानी कि वह गधे को बोल रहा है कि मैं तुझे ठीक कर दूंगा, तू यहां छुपा खड़ा है, मैं तुझे देख रहा था, इधर उधर मैंने आपको तलाश किया और तुम यहां पे पिछवाड़े के अंदर खड़े हो। शेर ने सोचा आ गया टपका, अब खैर नहीं, वह सरपट दौड़ा, सरपट मतलब तेज, के जैसे ही कुम्हार शेर के ऊपर बैठा उसको वह डांटने लगा, ठीक है, उसके कान पकड़ लिए और वह उसको तेज दौड़ने के लिए इसको जैसे ही उसने के बैठा तो शेर ने सोचा कि ये है टपका और वह उससे डर गया। कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है, वह तो मरियल सा था। मरियल मतलब कमजोर, जो कुम्हार का गधा था वह मरियल सा था, यानी के कमजोर था, लेकिन यह तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है, खूब हाथ पड़ा, यानी कि वह देखता है कि इसकी जो गति है वह तो गधे से ज्यादा है, यह तो बहुत बिजली की तरह तेज दौड़ रहा है और मेरा जो गधा था वह तो मरियल सा और इतना तेज नहीं दौड़ता था। ठीक है, तो आज के लिए हम लेसन जो है इतना ही करेंगे, इसके जो वर्ड मीनिंग है वो हम क्लियर कर दिए हैं, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं। जैसे इसके अंदर आया था सावन भादो, ये हमारे देसी महीनों के नाम हैं, उसके बाद जैसे लेसन का नाम है टपका, बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं और वो बरस कर नीचे आती हैं तो उसको हम बोलते हैं टपका, और घटा टोप का अर्थ होता है बादल के कारण, बादल घिरने के कारण हुआ अंधेरा। तो ये हमारे जो वर्ड मीनिंग थे, एक है इसके अंदर पिछवाड़ा, पिछवाड़े का मतलब होता है पीछे का भाग, आंगन के पीछे का भाग। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम इस कहानी को जारी रखेंगे, तब तक के लिए आप इंतज़ार करें, धन्यवाद।